यार चलो लेके चलते हैं आपको नागपुर की सबसे प्यारी जगह सराफा बाजार इतवारी, जो कि शुरू होता है 8 से 11 बजे तक। और यहाँ पे हमने ट्राई किया इन आंटी और अंकल का बनाया हुआ सेजवान पनीर चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही अच्छा था। बिकॉज उसमें जो स्टफिंग डाली गई है वो है सेजवान पनीर की, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्ट दे रही थी। एंड फाइनली उन्होंने उसकी पोटली बना के हमारा जो पराठा है उसको सर्क्यूलर शेप देना स्टार्ट कर दिया। और वो शेप देने के बाद उन्होंने उसको गरम गरम तवे पे रख दिया ताकि वो ऑयल से और बटर से अच्छे से सेक दें वो। और बटर था बिल्कुल अमूल बटर, तो हमको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ये थे वो आंटी अंकल जो इतना अच्छे से यहाँ पे पराठा सर्व कर रहे थे सराफा बाजार में। एंड उसके बाद उन्होंने इनको होने इस पराठे को पिज्ज़ा स्टाइल में चीज़ की बारिश कर दी इस पराठे के ऊपर, जिससे ये पराठा बन गया बहुत ही ज़्यादा चीज़ी। और उसके साथ साथ इसमें जो टेस्ट आ रहा था वो तो माइंड ब्लोइंग था ही। और इस चीज़ में उनके स्पेशल मसाले का टेस्ट था, जो कि वो अभी स्प्रिंकल करेंगे। और वो स्पेशल मसाला जब चीज़ में गया, मेल्टिंग चीज़ में, तो उसका टेस्ट बहुत ही एब्सोल्युटली अमेजिंग आ रहा था। तो इसके बाद उन्होंने कर दी इस पराठे की पिज्ज़ा टाइप कटिंग, और ये बन चुका है हमारा पिज्ज़ा पराठा पनीर सेजवान रेडी। और उसके ऊपर कर देंगे अभी मेयोनेज गार्निश, जिससे हमारा पराठा लगेगा बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा और हम इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छे से इन्जॉय कर पाए सराफा बाजार में। और इसके साथ साथ उन्होंने सर्व की थी 4 टाइप की चटनीज, जस्ट लाइक दही, ग्रीन चटनी, रेड सेजवान चटनी, और उसके साथ साथ मठा भी था और सलाद। तो ये हमको खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगा, सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये में इतना प्यारा पराठा।